येषां विद्या तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवे भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। जीवन में ध्येय यानी लक्ष्य के बिना कुछ नहीं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसे मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। हम चुनौतियों का मुकाबला करके ज्यादा बेहतर इंसान बनकर उभरते हैं, ना कि उनसे भागकर। कोई इम्तिहान जिंदगी से बड़ा नहीं। बेहतर तैयारी और योजना बनाकर ही हम हर इम्तिहान बेहतर ढंग से दे सकते हैं। कंपटीशन, टेंशन और स्ट्रेस ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। वैसे तो यंग एज इज सेड टू बी द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जिसमें कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस और स्टूडेंट के लिए खुद को बेस्ट प्रूव करना और ऐसे कई फैक्टर्स स्ट्रेस का कारण बनते हैं। और जब बात हो बोर्ड एग्जाम्स की तो बेस्ट परफॉर्म करना और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबके कई सारे सजेशंस और इंस्ट्रक्शंस हर टाइम पढ़ने का प्रेशर स्ट्रेस को और भी बढ़ा देता है। इसका इफेक्ट हमारी परफॉर्मेंस पर पड़ता है और फिर कॉन्सेंट्रेट करना मुश्किल लगता है। लाइफ में स्ट्रेस से बच पाना जरा मुश्किल जरूर है, लेकिन जरूरी ये है कि हम इसका सामना कैसे करते हैं। अक्सर हम ये पहचान नहीं पाते कि हम पर स्ट्रेस बढ़ रहा है। स्ट्रेस को ओवरकम किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है ये पहचानना कि क्या हम वाकई स्ट्रेस में हैं। You seem to be getting ready for your examinations. I could see a ray of anxiety in your face. You have a few queries in your mind. How do I prepare for these examinations? How do I complete the revision of my syllabus so that I can gainfully appear in the examinations? The first thing that you need to know about writing an examination is that you should not press your panic button. ये जो महीने होते हैं ना, ये मुझे मालूम है कि आप लोगों के लिए तो बहुत ही मुश्किल महीने होते हैं, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक घर में, स्कूल में और फ्रेंड्स में एक ही बात होती है, कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, क्यों पढ़ा, अभी ऐसे क्यों बैठे हो और अभी वैसे क्यों बैठे हो। और मुझे पता है कि इन्हीं बातों से आप छिड़ते हो और इन्हीं बातों से आपको बहुत गुस्सा भी आता है। तब आप दरवाज़े पटकते हो, शायद वही चीज़ खाते हो जो मना है, और घंटों घंटों कई बार फ़ोन के आगे लगे रहते हो या टेलीविज़न के आगे बैठे रहते हो। जानते हो कि ये क्यों करते हो आप? क्योंकि ये एग्जामिनेशन स्ट्रेस है। I feel it's like muscle tension. It can be indigestion. I feel like crying a lot. Very strange kind of things happen. Person also feels drained out. Like you might not be able to sleep properly. Lack of concentration. Backache and pounding and frequent heartbeats. I think it's shallow or fast breathing. Chest discomfort. ये आप जानते हैं कि क्या हो रहा है आपको? एक तो आपको लगता है कि parents आपसे बहुत ज़्यादा expect करते हैं, और दूसरा आपको लगता है टीचर्स आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, और फिर आपको लगता है कि शायद मैं भी अपने आप से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ या करती हूँ, है ना। और उसी एक्सपेक्टेशंस को नर्वसली देखते हो कि मैं पता नहीं पूरा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, और आपको प्रॉब्लम्स लगती हैं।
हो सकता है कि सारा साल आप बहुत अच्छा पढ़े हो और हो सकता है कि सारा साल आप ज़रा ऐश मारते रहे हो और अब आके वॉल्यूम ऑफ सिलेबस को देखकर डर गए हो। I used to study in the end. So, जब एकदम से आता है, then it's difficult. This is something when people put a lot of pressure upon you. I think it's because of the peer pressure. It's because of the thing that I have to perform well. Stress is the physical or emotional reaction towards a threat. And I feel emotionally drained. I feel like crying or I have a headache. हर बच्चे के अंदर स्ट्रेस जो है अपने एक अलग तरह से सिम्टम्स देता है, तो कोशिश कीजिए कि आप जान पाएं कि आपकी बॉडी स्ट्रेस को कैसे रिस्पॉन्ड करती है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो अच्छा है, अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी नहीं होगा तो आप रातों को जागकर पढ़ नहीं सकते। हाँ, आधी रात तक जागकर पढ़ते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप पूरी पूरी रात जागकर पढ़ रहे हैं तो ये स्ट्रेस आपके जिस्म में आपकी बॉडी के चेंजेस को इफ़ेक्ट करना शुरू कर जाएगा। भूख कम हो जाती है, भूख बिल्कुल नहीं लगती है, भूख ज़्यादा महसूस करते हैं, नींद बिल्कुल नहीं आ रही है, नींद बहुत ज़्यादा आती है, आपको चिड़चिड़ापन रहता है, रातों को जागते रहते हैं, ये सब चीज़ें स्ट्रेस की तरफ इंडिकेट कर रही हैं। ये देखा जाता है कि स्ट्रेस और अदर प्रॉब्लम से साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स, दैट मीन्स जो आपकी हेल्थ इशूज़ ज़रूर हो सकती हैं एग्जाम टाइम में, एक आम तौर पर बच्चे को अस्थमा अटैक्स ज़्यादा पड़ सकते हैं स्ट्रेस के कारण, और स्ट्रेस, एंजाइटी, घबराहट, इनके कारण आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है, एंड देन कॉन्स्टिपेशन इज़ वेरी कॉमन। अगर आप एडिक्वेट फाइबर ना लें अपनी डाइट में या पानी का मात्रा कम हो तो फिर कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। स्ट्रेस से डायरिया हो सकता है आपको, माइग्रेन के अटैक्स बढ़ सकते हैं, पोस्चर गलत होना ड्यूरिंग स्टडिंग के टाइम में, बैकएक की प्रॉब्लम हो सकती है, शरीर में दर्दों की प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जाम टाइम में बच्चों को ये देखा जाता है, उनको दोस्त पीयर प्रेशर से ये सुनने में आता है कि एम्फेटामिन्स ले लो, मूड स्टिमुलेटर्स ले लो, ड्रग्स जैसी कोई चीज़ ले लो, ये टेम्प्रेरी तो आपका मूड एलिवेट कर दे देंगी, लेकिन इसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। ये एक्चुअली आपको स्लो बता देंगी, हाइपर अटेंशन में कर देगी, अटेंशन आपका कम हो जाएगा और ब्लड प्रेशर, ये सब एहतियात की, तो प्लीज़ इन सब से दूर रहिए। Preparing for exams, long sitting hours, and lots of pressure. In such situations, sometimes it's really tough to concentrate. And that's the time it becomes really important to release the stress. कोशिश कीजिए कि जब भी आपको महसूस हो इस तरह का डर, इस तरह का तनाव, उसके बारे में किसी से बात कीजिए। बात करना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन कैन हैपन विद एनीबॉडी यू फील क्लोज टू। आपकी क्या हॉबीज़ हैं उनको भी इस्तेमाल कीजिए अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए। थोड़ा सा टाइम अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं, थोड़ा सा टाइम अगर आप कोई एक फिज़िकल एक्टिविटी के लिए लगाते हैं, उसमें उससे भी आपका स्ट्रेस दूर हो जाता है। Usually was stressed with by playing games. Could be like understanding the source of stress. Having good nutritional food. Talking to your parents can be a very big way of relieving your stress. I should know my expectations. I should know what all I can do. Talking to plants sometimes. Different activities for different individuals acts as stress busters. We'll be right back.
Meditation and yoga also act as good stress busters. जाहिर है आप सभी लोग अपने अपने गोल्स को अपने अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए कड़ी मेहनत में जुट गए होंगे और कड़ी मेहनत का मतलब है घंटों तक बैठकर पढ़ाई करना और पढ़ते पढ़ते कहीं आपको लगता होगा कि इस मोमेंट पे आप थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई एक सौ पेंस हो रहे हैं और आपका कॉन्सेंट्रेशन पहले से थोड़ा सा कम हो गया है। जी हाँ, यही वक्त है एक ब्रेक लेने का। ब्रेक मतलब एक्सरसाइज ब्रेक। शुरुआत हम करते हैं नेक की एक्सरसाइज से, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विथ डीप ब्रीदिंग एंड एक्सहेल। दिस इज अ वेरी गुड वे टू रिलैक्स योरसेल्फ। इनहेल अगेन एंड स्ट्रेच, स्टे देयर, पुल योर एब्डोमिनल्स इन एंड एज यू एक्सहेल कम डाउन। Now cross your fingers in front of you and stretch your arms to the front. Just feel that stretch for your upper back. You are slightly leaning forward and you're scooping your abdominals in. Come back and again pull. Now bring your arms back. Continuously when you are writing, your fingers get really fatigued. So just relax your fingers with this exercise. You just stretch your fingers and bend them and slide them up. Yes, do it again and slide them up. And release. Now you can release the stress from your wrist as well. Now just separate your leg, slide forward and go for deep breathing. Hold yourself up, hold your abdominals in and hold your breath in. And exhale, come down, touch the floor. This is very soothing for your entire spine and your hips and thighs. Go up again, inhale, exhale, down. These are the very soothing stretches for relaxing your leg muscles. In next exercise, actually you are strengthening your entire body and you are giving good stability exercise for your abdominals and your back. Just hold yourself in this position for a while. Hold your abdominals in and release. Come back. So these are the exercises. Those you can do for 4-5 minutes and see the wonders. अब बात करते हैं थोड़े डूज एंड डोंट्स की। एग्जाम में हेल्दी फूड रखें, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मस्ट रखें डाइट में, हाइड्रेशन अपना रखें, बहुत ज्यादा हैवी मील्स ना खाएं, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स 6-7 बारी लें, एंड टीज, कॉफीज, चॉकलेट्स, कोक्स, शुगरी ड्रिंक्स, डाइट कोक्स, कोला ड्रिंक्स, इनको अवॉइड करें। टेक हेल्दी, उसके बदले वेजिटेबल जूस एंड फ्रूट जूसेस, ऐसे हेल्दी स्नैक्स लें। नट्स ज़रूर रखने अपनी डाइट में, मैदा जैसे हेवी चीज़ों को अवॉइड करिए। एंड और इम्पॉर्टेंट चीज़ एक याद रखें कि ब्रेकफास्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट मील है, वो एक कॉन्स्टेंट एनर्जी भी देगा, तो एग्जाम से पहले ब्रेकफास्ट मिस मत करिए। बहुत हैवी ब्रेकफास्ट ना, लेकिन एक अच्छी कार्बोहाइड्रेट डाइट जैसे कि कोई दलिया हो या एक पराठा और सब्जी हो या ब्रेड, उसके साथ कोई प्रोटीन हो, चीज़ हो, इसको ज़रूर लेके जाएं ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग फॉर एन एग्जाम। स्पेंडिंग सम टाइम विद द फैमिली नॉट ओनली रिलीजेस द स्ट्रेस बट ऑल्सो एक्ट्स एज एन इमोशनल सपोर्ट एंड रिजुविनेट्स द चाइल्ड। माता पिता के तौर पर मेरा मानना है कि हम सब एक जो सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, जो शायद कुछ हद तक मैंने भी की होगी, लेकिन उसको जल्दी सुधारने की भी कोशिश की, कि हम बच्चों की दुनिया को बड़ों के चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। हम कभी उनकी दुनिया में झांकते नहीं, उनके नज़रिए से उनकी दुनिया को नहीं देखते। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं अगर अपने परिवार की बात करूं, तो हमने कुछ हद तक ये कोशिश की कि जो अपने बच्चे का जो बोर्ड एग्ज़ाम्स के दौरान जो प्रेशर था
उसको हम थोड़ा बांट सके, हमने उसको जहाँ तक ये कोशिश की कि वो थोड़ा सा रिलैक्स भी करे। मैं खुद अपनी बात करूँ तो जब मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम हुआ करते थे तो उस दिन मैं खूब संगीत सुना करता था और उसका लाभ मुझे अब लगता है कि बहुत ज़्यादा हुआ है। पढ़ाई के बीच में थोड़ा सा रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है और माँ बाप को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सब अपना प्रेशर बच्चों पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। दरअसल बच्चे हों, शिक्षक हों या माता पिता हों, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इस तरह की परिस्थितियों के जितने भी प्रश्न हैं उन सब के उत्तर हमारे आसपास होते हैं लेकिन हड़बड़ाहट में हम उन्हें ढूंढ नहीं पाते। बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा शुभकामनाओं के साथ कि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है। डियर चिल्ड्रन, माई मैसेज फॉर यू इज एवरीबडी हैज़ देयर प्लेस इन द सन। ऑल यू नीड टू डू इज टू बिलीव इन इट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड प्लान, यू शुड प्रिपेयर, यू शुड प्रे, बिलीविंग दैट गॉड इज देयर टू लिसन टू यू एंड टू हेल्प यू, एंड माई वर्ड इज डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सक्सीड। एग्जाम्स के समय थोड़ा सा तनाव महसूस करना ऑप्टिमल है, स्वाभाविक है और सामान्य भी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि तनाव बढ़ रहा है, अपने पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ या टीचर्स के साथ जरूर शेयर करें। भविष्य उज्जवल है, फिर डर कैसा? तनाव चिंता अपने मन से निकाल दें। अगर पढ़ते पढ़ते गाड़ी अटक जाए तो बात करें अपने माता पिता से, टीचर से या दोस्तों से। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। आप सभी को बोर्ड एग्जाम्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं, गुड लक। Thank you.
तेरे।